वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में एक बम्पर वैकेंसी की जानकारी देने वाला हूं, जिससे लाखों कैंडिडेट कई दिनों से इंतज़ार करते आ रहे हैं, लेकिन फाइनली आज वो वैकेंसी आ गया है। मैं बात कर रहा हूं बिहार पुलिस भर्ती का। ये CSBC के साइट पे ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। टोटल 21,391 पोस्टों पे ये भर्ती आया है। ये शानदार मौका रहेगा बिहार के कैंडिडेट के लिए। वैसे ये वैकेंसी पूरे ऑल इंडिया के लिए है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट है इच्छुक है बिहार के, तो बिहार के कैंडिडेट को आरक्षण भी मिलेगा। बाकी ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल से, तो बिहार के लिए भी और साथ में टोटल इंडिया के लिए ये वैकेंसी शानदार रहेगा। इसके बाद बिहार में बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी लगभग 2 से 3 साल आने वाला नहीं है, तो जिनको भाई ये वैकेंसी की एक पोस्ट लेना है तो आप लोग जी जान लगा दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद 2-3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये ज़बरदस्त वैकेंसी रहेगा। ये मैं आपको ऑफिशियली पहले दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट कर रहेंगे सोचेंगे कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। देखिए, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, आप देख सकते हैं ये विज्ञापन संख्या 01/2023। बाकी आप देख सकते हैं लेवल 3 का 21,700 से लेकर 69,100 आपको बेसिक सैलरी मिलने वाला है। मतलब आप जैसे ही एक कांस्टेबल ज्वाइन कीजिएगा तो लगभग 30,000 के करीब में आपको 30,000-32,000 के करीब में आपको सैलरी मिलेगा इन हैंड, तो बहुत ही अच्छा सैलरी है। आप देख सकते हैं सभी विज्ञापन संख्या दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इस नोटिफिकेशंस में, सबको मैं नोट डाउन किया हूँ, सबको मैं डिटेल्स में जानकारी दूंगा, बस आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, और इसके क्वालिफिकेशंस क्या है, कैसे इसका मेरिट बनता है, ये सब A to Z जानकारी दूंगा, साथ में सिलेबस की जानकारी दूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसका सिलेबस लगभग हर साल चेंज होता रहता है बिहार पुलिस का, तो मैं आपको सटीक जानकारी देने वाला हूँ और कि आपको A to Z इससे जानकारी मिल जाएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चलिए, कुछ मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स किया हूँ इसी नोटिफिकेशन से। इस नोटिफिकेशंस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड करके पूरा डिटेल्स पढ़िएगा, मैं आपको पूरा जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन जो आपका अप्लीकेशन शुरुआत होगा वो 20/6/2023 से होने वाला है, और लास्ट डेट रहेगा 20/7/2023 तक। मतलब आपको 1 महीना का टाइम मिला है, तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट अभी मान लीजिए नहीं है, जैसे किसी के पास EWS नहीं है, तो किसी के पास जाति नहीं है, निवास नहीं है, तो आप लोग A to Z आपको बनवा लीजिए जाकर। आपको मिनिमम लगभग 10 से 15 दिन में बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, ठीक है। और देखिए, लेवल मैं बता दिया, लेवल 3 का जॉब है, इसमें 21,700 से लेकर 69,100 का पैसा मिलेगा इसमें बेसिक पे। वैकेंसी की जानकारी दे दिया हूँ, 21,391। और देखिए, वैकेंसी जितना है इसके 5 गुना कैंडिडेट को PFT के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो आप सोच लीजिए, मतलब टोटल इतने लड़कों का रिजल्ट आएगा PFT में। देखिए, 1,06,955 इतना लड़के पास होंगे, ठीक है। इसका कट ऑफ की मैं जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मुझे कट ऑफ सब माइंड में सेट है, लगभग मैं 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस पे काम किया हूँ, उसका पूरा कट ऑफ देखा हूँ, तो आपको बता रहा हूँ 100% देख लीजिएगा। जिन भी कैंडिडेट का अगर रिटर्न एग्जामिनेशन में 70+ स्कोर होगा, वो 100% उसका कॉल आएगा PFT के लिए, ये लिख के रख लीजिएगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। एज लिमिट की बात करता हूँ, तो देखिए, एज लिमिट में 18 से 25 जनरल वाले के लिए है, और ये एज काउंट होगा 1 अगस्त 2022 से, 2023 नहीं बाबू, 2022 है, नहीं तो क्या होगा, 2005 वाला जो कैंडिडेट है, 2005 वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे 2005 वाला का इसमें चांस नहीं मिलेगा, 2004 वाला ही एलिजिबल रहेंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन में आप जानते हैं OBC SC ST को, जैसे OBC को 3 साल का छूट मिल जाता है, SC ST वाले को 5 साल का। बाकी आप डिटेल्स में नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा, ठीक है, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए भाई, आप अगर 10वीं पास है, सिर्फ 10वीं पास है, तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आप फॉर्म नहीं भरिएगा, आपको 12th कंप्लीट किया, मैंने 10+2 कंप्लीटेड होना चाहिए, और ये आप 12th कब तक कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, तो 1 अगस्त 2022 तक,
इस डेट तक आप अगर 12th पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भरिएगा, नहीं तो रिजेक्ट होगा। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। मैंने आपको बताया कि पूरे ऑल इंडिया के जितने भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, बिहार पुलिस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, लेकिन आप जनरल से फाइट करेंगे, बाकी बिहार वालों के लिए तो भाई ज़बरदस्त बात है। इसकी लिखित परीक्षा अंतिम मेघा सूची के आधार नहीं होगा, मतलब बिहार पुलिस में 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा जो एक क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ठीक है। आप अगर एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, जितना भी कट ऑफ लगता है, तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा और फिजिकल 100 नंबर का होगा, अभी मैं सब जानकारी दूंगा, और फिजिकल के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। मतलब यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, सिर्फ आपको पास हो जाना चाहिए, ठीक है। अब पेपर का लेवल क्या रहेगा, तो देखिए भले ही वैकेंसी 12th पे है, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशंस का जो लेवल रहेगा, क्वेश्चंस जो बनेंगे वो 10वीं लेवल के सभी क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए मैं आपको सब मतलब डिटेल्स में बता रहा हूँ, अब जीके जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है आपको, इसका भी डिटेल्स जानकारी दूंगा। इसका आप देखिए, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस के हर एक पॉइंट को खोल के रख दूंगा, भाई इस चैनल से जुड़ जाओ, 100% आपको सफलता दिला दूंगा। बिहार पुलिस में एक पोस्ट आपका कंप्लीट करवा दूंगा अगर आप मेरे से जुड़े रहे। लगभग 2-3 मंथ इसके बाद एग्जामिनेशंस होगा, तो आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस, साथ में किस सिलेबस से कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आता है, A to Z कराऊंगा, और वहीं डिटेल्स में छपेगा आपका एग्जामिनेशंस में। देखिए मैं मोटा मोटी बात करूँ जीके और करेंट्स के क्वेश्चंस, जिसमें देखिए बिहार, अब बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे सोच रहे होंगे कि भाई बिहार से ज़्यादा क्वेश्चन आता होगा, नहीं भाई, खूब आएगा ना 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ना, 2 से 3 क्वेश्चन सफिशियंट है बिहार का, बिहार से रिलेटेड जो जीके होता है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। मतलब आप संपूर्ण स्टैटिक जीके पढ़िएगा और उसके बाद करेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा देखिए ये जीके और करेंट्स मिलाकर 40 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी के कभी कभी 8 क्वेश्चन रहता है, कभी 10 भी क्वेश्चन आता है, मतलब 8 से 10 के एवरेज मैं बता रहा हूँ आपको। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे। अब हो सकता है इस बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मद निषेध का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस इंक्लूड किया है, तो आपको रीजनिंग पे भी फोकस करना है, और ऐसा नहीं है कि पूरा मास्टर बनना है, नहीं, कुछ चुनिंदे मैं आपको टॉपिक बताऊंगा रीजनिंग का जो 100% इस बार आएगा ही एग्जाम में, भले ही मेंशंस नहीं किया गया है सिलेबस में, लेकिन मैं आपको 10 साल का एक्सपीरियंस बताऊँगा आपको, ठीक है। बाकी ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेधा जो आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, शारीरिक दक्षता यानी जो फिजिकल आपका स्टैंडर्ड है, देखिए दौड़ के लिए आपको टोटल 50 अंक रखा गया है। अभी मैं जानकारी दूंगा कि दौड़ में कितने टाइम तक आप दौड़ेंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा, ये सब मार्क्स बताया गया है, अभी डिटेल्स में बताऊंगा। दौड़ में टोटल 50 मार्क्स का होगा, अंक मिलेगा। अगर ऊंची कूद 25 नंबर का रखा गया है, गोला फेंक 25 नंबर का, टोटल 100 नंबर का ये आपका PFT होगा, मतलब फिजिकल होगा। और इसमें अगर मैं बता रहा हूँ आपको, जिन भी कैंडिडेट का लगभग 75 और 78+ है, तो उनका मेरिट बनेगा ही बनेगा 100%। तो ये सिलेक्शंस का प्रोसेस बता देता है, पहले रिटेन क्वालिफाइंग रहेगा, फिजिकल पर आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल भाई नाम मात्र का होगा। आप अगर आपको कैंसर एड्स वगैरह नहीं है, मतलब ऐसा बीमारी जो किसी और को फैलाए ना, ठीक है, आपका अगर गुप्त रोग है तो आप मतलब ज्वाइन हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अच्छे ढंग से, बाकी सबका हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन है इसमें रिटेन और फिजिकल, रिटेन क्वालिफाइंग है, तो आपको देखिए इसमें ये बड़ी बात है कि रिटेन के साथ साथ आपको फिजिकल की तैयारी करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट अगर रिटेन के साथ फिजिकल का तैयारी नहीं करेगा, उसका हम 100% कहते हैं जॉब नहीं होगा, ये लिख कर रख लीजिएगा, फिजिकल इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको जानकारी है। और चलिए अब मैं नोटिफिकेशन की जानकारी देता हूँ। देखिए द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता का जो आपका परीक्षा होगा, जो आपका देखा जाएगा, देखिए दौड़ अधिकतम 50 नंबर का रखा गया है, ओके। यहाँ पर देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए रखा गया है 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर का जो रनिंग करना होगा 6 मिनट में। आपको 6 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अब देखिए टाइम रखा गया 5 मिनट से अगर कम में मारते हैं तो 50 अंक आपको मिल जाएगा। अब बताइए 50 अंक ये ले लिया गया तो ऐसा ही मेरिट बनेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड तक आप अगर आइएगा दौड़ में तो 40 अंक मिलेगा। उसी तरह 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकेंड तक आइएगा दौड़कर, तो इसके बीच में रहेगा तो 30 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर इससे अधिक और 6 मिनट तक आइएगा तो 20 अंक मिलेगा।
तो ये आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड बता दिया गया है। अब महिलाओं के लिए भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 4 मिनट से कम में जो आएगी 50 नंबर आएगी, और 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक वाले एवं 5 मिनट तक जो आ जाएगा 20 अंक मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही है, 5 मिनट में आएगा तो वो पास हो गया, लेकिन इतना मतलब 20 अंक मिलेगा। ठीक है, अब बाकी आप गोला फेंक के लिए 25 अंक देख सकते हैं, 16 फीट से 17 फीट तक बीचिए फेंकिएगा तो 9 अंक मिलेगा। इस तरह आपको सब डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। देखिए मैं जो भी जानकारी देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा आपको जानकारी मिले। ऊंची कूद के लिए यहाँ पर देख सकते हैं महिला पुरुष अपना कितना अंक मिलने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं सभी मेधा सूची, देखिए यहाँ पर लिखा गया मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट होगा PFT के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये तो जानकारी है, देख सकते हैं। बाकी अब देख लीजिए कितना किसका वैकेंसी है। सामान्य वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो है 8,556 इनकी वैकेंसी है। ठीक है, आर्थिक रूप EWS के कैंडिडेट हैं 2,140, अनुसूचित जाति के लिए जो भर्ती है 3,400, अनुसूचित जनजाति के लिए 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 3,842। तो आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा जो भी जिस कैटेगरी से हैं, तो पिछड़ा वर्ग 56 ट्रांसजेंडर सहित देखिए 2,570 है, पिछड़े वर्गों की महिलाओं का जो वैकेंसी है 655 है। इस तरह 21,391 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी जानकारी है। ठीक है, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैंडिडेट के लिए, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं सारे कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप बाकी सभी ये आप लोग देख लीजिएगा, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर मतलब जो अदर स्टेट से हैं अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कोटि या वर्ग के महिला पुरुष हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है आपको पेमेंट करना होगा 675 रुपया। ठीक है, तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राज्य के मूल निवासी के सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का पत्र का जो शुल्क है 180 रुपया रखा गया है। तो आप उस शुल्क भी देख लिए, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट है, बट कोई बात नहीं, जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वैकेंसी ज़्यादा बम्पर है तो आप लोग जरूर पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये सभी ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, इसमें ऑफलाइन के कोई मामला नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी टर्म एंड कंडीशंस है तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं आप सभी को बता दिया हूँ। अब आप लोग हमारे से जुड़ जाइएगा क्योंकि मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ बिहार पुलिस में किस पैटर्न से क्वेश्चन आनेगा। आपको डेली एक एक वीडियो जरूर मिलेगा। हाँ, और एक बता देते हैं, देखिए एक मिनट ये अभी छूटा है, देखिए ये आपको तो मैं बता दिया हूँ। आप यहाँ पर अभ्यर्थियों का उम्र दिनांक इतना से देखिए काउंट होगा 1/8/2022 से, सामान्य के लिए 18 से 25 आपका उम्र होना चाहिए। बाकी ये देख लीजिए जिनका आरक्षण मिला है 3 साल 5 साल का, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों का शारीरिक जो मापदंड होगा उसमें ऊंचाई देखिए बताया गया है, तो सामान्य वर्ग है इसमें 165 होना चाहिए पुरुष के लिए, अत्यंत और उसके बाद देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और देखिए सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और देखिए जो चेस्ट का मेजरमेंट होता है सीना फुलाव के लिए इसमें जनरल वाले को बिना फुलाए नॉर्मल आपका 81 होना चाहिए सेंटीमीटर और फुलाकर 86 मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए कैंडिडेट को, और देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 81 और से 86। बाकी ये देखिए जो अनुसूचित जाति है अनुसूचित जनजाति है उसका 79 से 84 है, और देखिए महिला अभ्यर्थी के लिए सीना माप नहीं होगा, वजन की बात है सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन, देखिए जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं आपका न्यूनतम जो वेट होना चाहिए 48 होना चाहिए, इससे कम होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आपका ज्वाइनिंग रुक जाएगा, तो इसलिए आपको वजन पर भी ध्यान दीजिएगा महिला कैंडिडेट। पुरुषों की यहाँ पर वेट की जानकारी नहीं है, ठीक है कोई मेंशन नहीं किया गया है, बाकी ये तो मैं आपको जानकारी दे ही दिया हूँ।
देखिए लिखा है लिखित परीक्षा 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। देखिए लिखा तो है कि 30% से कम लाइएगा तो फेल होइएगा, अगर 30% से ज़्यादा भी लाइएगा, मान लीजिए 40% से कम लाइएगा, तो ऐसे नहीं कि पास ही हो जाइएगा। इसमें एक कट ऑफ जारी हो जाता है, कितने कैंडिडेट फॉर्म भरे, मान लीजिए 12 लाख 13 लाख, इतना तो फॉर्म डेफिनेटली भरा जाएगा। मैं आपको अनुमान बता देता हूँ 13 लाख से कम फॉर्म होगा नहीं, भराएगा नहीं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर अगर पासिंग होना है तो 100 नंबर में आपको लगभग 70+ स्कोर करना है, तब आप फिजिकली के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और ये जो जानकारी है आप यहाँ पर एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, मैं पूरा जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बहुत सारे अभी एक एक वीडियो आएगा, हर एक निचोड़ कर रख दूंगा इस बिहार पुलिस के रिटर्न का, किस तरह के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।